अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ मिनल और मैं आपके लिए पैसिव कूलिंग का हमारा फर्स्ट एपिसोड लाई हूँ और इसमें हम पैसिव कूलिंग की कुछ बेसिक्स को कवर करेंगे। तो चलते हैं पैसिव डिज़ाइन के मतलब की तरफ। पैसिव का लफ्ज़ है जो है, इसका क्या मतलब है? तो पैसिव जो है वो है एक्टिव का बरक्स। तो जब हम एक्टिव का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, हम बिजली के मैकेनिकल निज़ाम की बात करते हैं, और जब हम पैसिव का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, हमारा ये मतलब होता है कि बिल्डिंग अपनी हीटिंग और कूलिंग की ज़रूरतें खुद सूरज और हवा का सहारा लेके पूरी करें। अगर सही तरह हमारी बिल्डिंग पैसिव डिज़ाइन को यूज़ करके बनाई गई हो, इससे ऐसा नहीं होगा कि हम सिर्फ पैसिव कूलिंग या सिर्फ पैसिव हीटिंग को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इससे ये ज़रूर होगा कि एक बैलेंस अख्तियार होगा ताकि हम बिजली पर ज़्यादा मुनहसर ना हों। अच्छा, तो अब चलते हैं हम पैसिव कूलिंग की इंट्रोडक्शन की तरफ। इस पर हमें दो पहलुओं पर ध्यान देना होगा। पहला पहलू जो है वो है हीट अवॉइडेंस, मतलब बिल्डिंग पहली तौर पर, पहली सतह पर बिल्डिंग के अंदर ना तो आए या बिल्डिंग के अंदर ना तो अब्सॉर्ब हो। और दूसरा पहलू, अगर बिल्डिंग के अंदर गर्मी आ भी जाए, हीट आ भी जाए, तो उसे वेंटिलेशन या हवादारी के ज़रिए निकाल दिया जाए। इस वीडियो में हम पहले पहलू पे बात करेंगे जो है हीट अवॉइडेंस। तो सबसे अहम पॉइंट जो है वो ये है कि हम बिल्डिंग को पहली तौर पर गर्म होने से रोकें, मतलब सूरज की जो शुआएं हैं उनको पहली सतह पर रोकना। ये दो तरीक़ों से हो सकता है। एक है शेडिंग यानी साए के ज़रिए, और दूसरा है इंसुलेशन और कैविटीज़ यानी रुकावट या खला बनाना उसके ज़रिए। पहले शेडिंग या साए बनाने की तरफ आते हैं। शेडिंग का बुनियादी मकसद ये है कि सूरज की शुआओं को महदूद मकदार में दीवारों के बाहर वाले हिस्से पर पड़ने देना। दीवार के बाहर वाले हिस्से को तेज़ धूप डायरेक्टली पड़ने वाली सूरज की शुआओं से महफूज रखना। ये हमारा दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें जहन में रखना होगा कि अगर बिल्डिंग एक शेडो के स्टेट में हो तो वो नेचुरली ज़्यादा ठंडी रहती है। अच्छा, शेडिंग या साए डालने के ऑब्वियसली बहुत से तरीके हैं। पहले हम अपने साइट डिज़ाइन की तरफ आते हैं। तो आपको ये देखना होगा कि ओवरऑल आपके लैंडस्केप का क्या डिज़ाइन है, आपने कहाँ कहाँ दरख्त लगाने हैं कि आपकी बिल्डिंग पर साया पड़े। लेकिन ये जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली ये हर मौके पर मुमकिन नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली दरख्त उगाने के लिए सालों साल लग जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें फ्यूचर के लिए, अपने आने वाले सालों के लिए एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे अपनी प्रॉपर्टी के लिए हमें दरख्त उगा लेने चाहिए, जहाँ हमें लगता है कि ये जब अगर बड़े होंगे तो ये बिल्डिंग पे इस जगह पर साया डाल सकेंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं कुछ और आर्किटेक्चरल आलात की जिससे हम शेडिंग इख्तियार कर सकते हैं। तो शेडिंग की दो किस्में होती हैं, या तो वो फिक्स्ड हों या एडजस्टेबल हों कि हम खुद ही उनको खोल या बंद कर सकें। तो फिक्स शेडिंग में आपके छज्जे आ जाते हैं और बहुत सी और भी इंटरेस्टिंग फीचर्स होते हैं, फिक्स लूवर्स होते हैं, उनको हम और डिटेल में भी अभी कवर करेंगे। एडजस्टेबल में भी बहुत से इंटरेस्टिंग आलात आ जाते हैं, उनमें कपड़े के बने हुए मुख्तलिफ टेंट, परगोला और जालियाँ आ जाती हैं। घर के अंदर पर्दों या ब्लाइंड्स का यूज़ करना इतना मौसर नहीं होता, क्योंकि अगर सूरज की रोशनी, उनकी सूरज की शुआएं जो हैं वो दीवार पर पड़ जाएं तो वो गर्मी अंदर आएगी ही आएगी। तो मकसद ये है कि हम बाहर ही पहली सतह पर गर्मी को रोकें। एक बहुत सस्ता और आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी जो आप यूज़ कर सकते हैं गर्मी को पहली सतह पर, मतलब बाहर ही रोकने का। उसमें ये है कि आप चटाइयाँ लें और उनको दीवार से कुछ गैप छोड़ के, मतलब एक या डेढ़ फीट का गैप छोड़ के दीवार से फसाद पे उनको लटकाएं। तो उससे ये होगा कि आपकी इंसुलेशन की भी जगह बन जाएगी ऊपर और नीचे, और ऊपर और नीचे से वेंटिलेशन भी का भी गुजर इख्तियार हो जाएगा। तो ये बहुत आसान और इफ़ेक्टिव तरीका है खिड़कियों पे साए डालने का।
दूसरा तरीका जो है बिल्डिंग पे साए डालने का, वो है छज्जों के ज़रिए, और ये बहुत अहम पॉइंट है जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी। अच्छा, हमें ये देखना होगा कि दीवार से आगे छज्जे को कितना बाहर निकलना है, छज्जे की चौड़ाई और वो दीवार से कितना आगे प्रोजेक्ट होगा, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक सिंपल फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। सूरज की आसमान में हाइट यानी उसकी ऊंचाई जो है वो दिन में और साल के दौरान भी बदलती रहती है। जैसे कि सर्दियों में सूरज का एंगल यानी उसका जाविया जो होता है वो बहुत नीचे होता है, और गर्मियों में बिल्कुल आसमान में ऊंचा होता है। तो हमें ये देखना होगा कि गर्मियों में सबसे गर्म दिनों पे सूरज की आसमान में क्या ऊंचाई है, और जब हमें ये पता चल जाएगा तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा छज्जा कितना दीवार से बाहर निकलना चाहिए कि जब शुआएं दीवार पर पड़े तो वो छज्जे की वजह से खिड़की पे बराए रास मतलब डायरेक्टली ना पड़े। सो उसका फॉर्मूला ये है, 90+23.5- जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ का लैटिट्यूड। जैसे कि मैं कराची में रहती हूँ तो मैं कराची का लैटिट्यूड यूज़ करूँगी जो है 24.8। तो इसमें ये कैलकुलेट करूँगी मैं कि 90+23.5-24.8 विच इज़ 88.7। तो दिस इज़ द एंगल ऑफ द सन इन द स्काई, उसकी सूरज की ऊंचाई जो है स्काई में जो होगी। तो यहाँ से आप अपने बिल्डिंग की एलिवेशन ले और एक प्रोट्रैक्टर, ये बहुत सिंपल तरीका है। अगर आप अपनी एलिवेशन प्रिंट आउट कर सकते हैं और प्रोट्रैक्टर यूज़ कर सकते हैं, उसमें से आप प्रोट्रैक्टर लेके एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जहाँ पे सूरज की शुआएं खिड़की के नीचे गिरेंगी। तो इससे हमें ये मालूम होता है कि छज्जे को इतना लंबा साया देना होगा कि खिड़की सूरज से बच जाए। अच्छा, अब हम बात करेंगे इंसुलेशन की और डबल स्किन की, यानी आपकी बिल्डिंग के लेयर में उसके बाहर वाले और अंदर वाले हिस्से के बीच में एक खला या कैविटी क्रिएट करना। तो बिल्डिंग में आपकी छत जो है वो यूजली सबसे ज़्यादा सूरज की शुआओं को जज्ब करती है, क्योंकि जब आसमान में सूरज सबसे ऊंचा होता है तो आपकी छत ही होती है जो सबसे ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करी होती है, और इससे ये होता है कि आपकी छत जो है वो ओवर हीट हो जाती है और इससे हीट पूरे घर में फैल जाती है। इसके लिए हमें ये या तो इंसुलेशन का इस्तेमाल करना होगा या तो कैविटी या रुकावट या खला कह लें बनानी होगी कि डायरेक्ट गर्मी अंदर तक ना पहुँचे। पाकिस्तान में हम यूजुअली कंस्ट्रक्शन में ऐसा नहीं करते, स्पेशली रेजिडेंशियल में, क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें मटेरियल ज़्यादा यूज़ होता है तो पैसे ज़्यादा लगते हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि इंडिया में फॉर एग्ज़ाम्पल अब छत के ओवरहीट होने पे बहुत रिसर्च की जा रही है, और वहाँ पर काफ़ी NGOs हैं, बहुत सी डिफरेंट कंपनीज हैं, उनकी गवर्नमेंट भी इस पर अब रिसर्च फंड कर रही है, और उनने एक बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव और सिंपल सॉल्यूशन निकाला है जो एक्चुअली बहुत सी ज़्यादा कंट्रीज़ में यूज़ हो रही है। लेकिन वो बेसिकली ये है कि छत को सफ़ेद पेंट कर देना, और उससे ये होता है कि क्योंकि सफ़ेद एक बहुत ब्राइट और रिफ्लेक्टिव कलर है, तो जब सूरज की शुआएं जब छत पे पड़ती हैं तो वो आसमान में रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। तो उससे ये होता है कि आप 3 से 4 डिग्री का, उन्होंने जो स्टडीज़ की हैं, 3 से 4 डिग्री का फ़र्क महसूस होता है इंडोर एयर टेम्परेचर में। तो छतें जो ओवरहीट हो जाती हैं वो एक बहुत अहम पॉइंट है जिस पे हमें गौर करना होगा, और इसमें हमें ये समझना होगा कि छत में एक डबल स्किन इख्तियार करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर कि छत के इस स्ट्रक्चर में वेंटिलेशन या हवादारी का भी कोई निज़ाम हम इंक्लूड करते हैं तो ये और भी बेहतर है। आपने शायद हैदराबाद, हमारे पाकिस्तान में हैदराबाद में ये आर्किटेक्चर, हेरिटेज का आर्किटेक्चर आपने शायद देखा हो या आपने उसकी तस्वीरें देखी हो, और बेसिकली उसको विंड कैचर्स कहते हैं, और वो बेसिकली एक चिमनी की तरह छत से निकलता है और उसका मुंह जो है वो हवा के डायरेक्शन में एंगल्ड होता है, उसका जाविया जो होता है वो हवा के रुख की तरफ होता है, और वो बेसिकली ये इस तरह चलता है कि वो जो घर में गर्म हवा होती है वो ऊपर इस चिमनी के ज़रिए निकल जाती है, और जो आसमान में जो ऊपर
ठंडी हवा होती है वो ये विंड कैचर जो है वो घर के पूरे हिस्से में फैला देता है। तो हमें ये इस पॉइंट पे भी हमें गौर करना होगा कि अगर हम छत के स्ट्रक्चर में कोई वेंट, कोई एग्जॉस्ट या कोई आउटलेट ऐसा दें कि हवादारी या वेंटिलेशन कायम रहे, तो इससे भी घर के ओवरऑल टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है। इसके बाद आती है छत की इंसुलेशन। अच्छा, छत की इंसुलेशन में बहुत से मटेरियल्स आ जाते हैं और इसमें हम एक और सेपरेट एपिसोड रखेंगे सिर्फ इंसुलेशन पर। बहुत से लोकल वेंडर्स हैं इंसुलेशन के, उसमें काफ़ी ज़्यादा मटेरियल्स हैं, मतलब थर्मोकोल है, थर्मोपोर है, वो बेसिकली फोम की शीट्स की तरह होती हैं जो आप छत पर बिछाएं और उसके ऊपर मिट्टी भर के सीमेंट लगाकर प्लास्टर कर दें। तो हम एक और एपिसोड सिर्फ इंसुलेशन के और उनके वेंडर्स पे करेंगे, उनकी फीजिबिलिटी और कॉस्ट और इंसुलेशन के हवाले से हम वेंडर से बात करेंगे। रिसेंटली कराची में आईपैक्स हुआ था और वो आर्किटेक्चर और कंस्ट्रक्शन का एक्सपो होता है, और वहाँ पर बहुत से इंसुलेशन के वेंडर्स थे और मैंने काफ़ी वेंडर्स से बात की, और वो ये क्लेम करते हैं कि इंसुलेशन अगर आप अपने घर के अंदर वाली साइड पे लगाएं, मतलब दीवारों के अंदर वाली साइड पे लगाएं या बाहर वाली साइड पे लगाएं, तो आप 4 से 5 डिग्री का फ़र्क महसूस कर सकते हैं, मतलब 4 से 5 डिग्री आपका घर ज़्यादा ठंडा हो सकता है। तो ये काफ़ी बड़ी क्लेम है, तो हम इनसे इनको इंटरव्यू करेंगे और एक इंसुलेशन पे हम एक सेपरेट एपिसोड रखेंगे। अच्छा, अगर आपकी बिल्डिंग ऑलरेडी बनी हुई हो और आपने छत के स्ट्रक्चर में इस तरह का कोई निज़ाम नहीं बनाया या इंसुलेशन आपके बजट में नहीं है, तो आप बिल्डिंग के अंदर से भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ कर सकते हैं फॉल्स सीलिंग के इस्तेमाल के साथ, जो गर्मी को कम करने के लिए बहुत यूज़फुल है। इसमें हमें ये करना होगा कि थोड़ी जगह छोड़ के, मतलब 7 से 8 इंच छोड़ के आप फॉल सीलिंग लगाएं एक स्पेशल मटेरियल की। इनमें थर्मोकोल आ जाता है जो इस ही पर्पज़ के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, क्योंकि वो गर्मी को एब्जॉर्ब करता है और फॉल सीलिंग के ऊपर वाले हिस्से पे एक रिफ्लेक्टिव मटेरियल, फॉर एग्ज़ाम्पल एलुमिनियम लगा के, तो उससे ये होगा कि रेडिएशन के थ्रू आपकी छत की स्लैब से जो गर्मी आ रही है वो स्लैब में वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी और घर के अंदर नहीं आएगी। तो ये तो आप कर सकते हैं अगर आप अंदर से कोई सोल्यूशन इख्तियार करना चाहते हैं। दूसरा हिस्सा हमारा हीट अवॉइडेंस का ये है कि हमें दीवारों पे भी ज़ाहिर सी बात है ध्यान देना होगा, और यहाँ पर मुझे आपसे थर्मल मास के बारे में बात करनी है। थर्मल मास का क्या मतलब है? थर्मल मास बेसिकली एक मटेरियल के गर्मी को जज्ब या छोड़ने की सलाहियत को कहते हैं, और मटेरियल्स जिनका हाई थर्मल मास होता है उनमें कंक्रीट आ जाती है, ब्रिक होता है, स्टोन होता है, जो काफ़ी डेंस और हैवी मटेरियल्स होते हैं उनका थर्मल मास ज़्यादा होता है। तो अगर आपको अपनी दीवारों की थर्मल मास को बढ़ाना है तो हम अपनी थिकनेस, दीवार की थिकनेस को बढ़ा दें, उससे ये होगा कि गर्मी कम अंदर वाले हिस्से में पहुंचेगी, क्योंकि थिकनेस ज़्यादा है तो वो बाहर वाले हिस्से पर, जहाँ पर सूरज की शुआएं दीवार पर गिरती हैं, तो वो बाहर वाले हिस्से तक महदूद रहती हैं। और वैसे भी अगर आपका मौसम खुश्क है, मतलब हॉट और ड्राई है, तो वैसे ही नेचुरली कुदरती तौर पर रात के वक्त आपकी बिल्डिंग ठंडी होने लगती है। लेकिन ये थर्मल मास का जो कॉन्सेप्ट है, ये नमी में, मतलब अगर आपका मौसम गर्म और तर है, तो वहाँ पर इस तरह की टेक्निक यूज़फुल नहीं रहती, क्योंकि उसमें नाइट टाइम रेडिएटिव कूलिंग पॉसिबल नहीं होती। उसका ये मतलब है कि हवा जो रात को नमी या मॉइस्चर से बहुत डेंस हो जाती है, वो आपकी बिल्डिंग ठंडी नहीं हो पाती, क्योंकि उसको इवेपोरेट होने के लिए आपको खुश मौसम चाहिए होता है। तो इस एपिसोड में हमने हीट अवॉइडेंस यानी गर्मी को पहली लेयर पे, पहली सतह पर किस तरह रोका जा सकता है, हमने ये कवर किया है, और उम्मीद है आपको ये टेक्निक्स पसंद आएंगी। हमने बहुत बेसिक तरीके से हीट अवॉइडेंस को कवर किया है, और हम नेक्स्ट एपिसोड में
पैसिव कूलिंग की सेकेंड पार्ट मतलब वेंटिलेशन को हम कवर करेंगे सेकेंड एपिसोड में. तो प्लीज़ कमेंट्स में हमें नीचे बताइए आपको ये टेक्निक्स कैसी लगी, और अगर आप कोई इंसुलेशन के वेंडर्स को जानते हैं या आपके पास कोई इंसुलेशन की इंफॉर्मेशन है तो प्लीज़ वो भी हमसे शेयर करें, क्योंकि हम आने वाले एपिसोड्स में इंसुलेशन पे भी बहुत गौर करेंगे. तो as always, like, share and subscribe, and मैं आपसे मिलूँगी अपने next episode में. खुदा हाफिज़.